हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कस्टमर के घर पे आए हैं कि उसके सीलिंग फैन में कुछ दिक्कत आ रही है। वो बोल रहे हैं कि पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक बार हम इसको चला के देखते हैं कि ये वास्तव में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो उसके लिए एक बार मैं चला के देखता हूँ। ये पंखे का बटन है, क्योंकि पंखे के अंदर से आवाज़ आ रही है पर पंखा घूम नहीं रहा है। हल्का सा टर्न ले रहा है, हल्का सा टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है पर घूम नहीं रहा है। तो इसको एक बार हम नीचे खोल के देखेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। खोल के देखेंगे तो ही पता चलेगा कि ये बैरिंग की वजह से ख़राब हुआ है या फिर इसके अंदर जो कैपेसिटर लगता है वो चला गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। पंखे को खोलने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों वायर को खोलेंगे। पंखे के सप्लाई के दोनों वायर खोल दिए हैं। हम इस लॉक वाली पिन को खोलेंगे। ये जो लॉक वाली पिन है इसको खोलेंगे, फिर इस नट को खोलेंगे और फिर हमारी जो पंखा है वो इस पाइप से अलग हो जाएगा। तो एक बार खोल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पंखे को इसके पाइप स्टैंड से ओपन कर लिया है, उतार लिया है इसको। तो एक बार इसको हम चेक करेंगे नीचे पे, इसमें बेरिंग की वजह से जाम हुआ है या फिर कंडेंसर की वजह से ये चल नहीं पा रहा है। तो जैसा कि मैं एक बार शाफ्ट घुमा के देख रहा हूँ, तो ये क्या शाफ्ट जाम हो गई है। तो हो सकता है इसके बेरिंग रस्ट की वजह से ख़राब हो गए हो या रस्टिंग आ रही हो। तो उस रस्टिंग को क्लियर करके हम इसको एक बार चेक भी कर लेंगे, टेस्ट लैंप से भी चेक कर लेंगे कि क्या इसकी वाइंडिंग भी सही है या नहीं। तो एक बार इसको हम अपने वर्कशॉप पे ले जाएंगे कि बेसिकली इसमें दिक्कत क्या है। कैपेसिटर और मोटर के अंदर से जो वायर आ रहे हैं पंखे के मोटर के अंदर से, उन सब वायर को हमने अलग कर लिया है। ये दोनों वायर कैपेसिटर के हैं, ये तीनों वाइंडिंग के तार हैं, जिसमें से येलो वाला है वो कॉमन वाला वायर है और इसमें से ये दोनों वायर कैपेसिटर के लिए है। तो एक बार हम इसको टेस्ट लैंप से भी चेक करेंगे कि क्या ये इसकी वाइंडिंग जो है वो सही है नहीं है, कहीं अर्थ तो नहीं है। तो एक बार चेक करने के लिए हम टेस्ट लैंप का यूज़ करेंगे। तो आगे हम इस पंखे को सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा चेक करेंगे कि इसकी वाइंडिंग जो है वो सही है कि नहीं है, कहीं वाइंडिंग इसके बॉडी के साथ अर्थ तो नहीं हो गई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं कि इस कैपेसिटर को हम पहले से ही अलग निकाल देते हैं ताकि इसका कोई यूज़ नहीं अभी। तो इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। अब हम टेस्ट लैंप के द्वारा इसको चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी तीनों वाइंडिंग के तीनों तारों को हम चेक करेंगे। फर्स्ट रेड और ब्लैक के अंदर चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा बल्ब है बहुत धीरे ग्लो कर रहा है। तो एक बार हम वापस रेड और येलो के साथ भी चेक करेंगे। तो रेड और येलो के साथ भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। और लास्ट जो है हम ब्लैक और येलो के साथ चेक करेंगे। तो देखो, इसके साथ भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो एक बार हम तीनों वायर के साथ में अर्थ भी चेक करेंगे कि कहीं हमारी कोई वाइंडिंग अर्थ तो नहीं हो गई है। तो एक बार अर्थ के साथ में भी चेक कर लेते हैं। पहले हम ब्लैक के साथ में अर्थ चेक करेंगे कि हमारा कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं हो गया है। अगर बॉडी अर्थ हो गया होगा तो हमें पंखे का रिवाइंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी अर्थ होने के बाद पंखा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो एक बार हम रेड वाले को भी अर्थ के साथ चेक कर लिया है, अब येलो वाले को भी चेक करेंगे। तो देख लो, हमारा पंखा बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो अब हम सेकंड स्टेप के लिए इसको हम
ये करेंगे कि इस बार इसको ओपन करके देखेंगे कि इसकी बेयरिंग की कंडीशन क्या है। इसके बेयरिंग की वजह से तो ये जाम नहीं हो गया है, तो इसको हम एक बार खोल के देखेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से हम पंखे की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का भी पता कर सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाली वाइंडिंग कौन सी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हम रेड और ब्लैक के बीच में चेक करते हैं, तो हमारा बल्ब बहुत धीरे ग्लो कर रहा है। फिर हम ब्लैक और येलो के बीच में चेक करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और फिर हम रेड और येलो के बीच में चेक करते हैं, तो इसमें ब्लैक और येलो के मतलब ब्लैक और येलो के से भी ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो सबसे कम ग्लो हमारा जो है वो रेड और ब्लैक में कर रहा है। तो ये हमारे जो दोनों वायर हैं वो कैपेसिटर के लिए हैं। इस पे हमारे दोनों कैपेसिटर के वायर कनेक्ट होंगे, और जो हमारा येलो वाला बचता है वो हमारा कॉमन वाला वायर होगा। और इसमें से ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा कॉमन वाला वायर कौन सा है। अब हम इसको खोल लेते हैं। एक बार हम कैपेसिटर स्टैंड और टर्मिनल स्टैंड को खोल लेते हैं ताकि हमारा जो मोटर की बॉडी है वो अच्छी तरह से खुल जाए, ओपन हो जाए। तो इसको ओपन करने के लिए पहले हमको इसको खोलना पड़ेगा। तो हमने कैपेसिटर का जो स्टैंड था उसको खोल लिया है। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम इसकी बॉडी को खोलेंगे कि बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार हम बॉडी को भी ओपन कर लेते हैं। तो इसकी बॉडी के हमने तीनों नट खोल लिए हैं। तीनों खोल के एक बार हम साइड में कर देते हैं। ये खोल लिया। एक बार इनको वायर को भी प्रॉपर ड्रेसिंग कर लेते ताकि ये किसी वजह से छिल जाए ना। अगर ये छिल जाएंगे तो हमारे बॉडी अर्थ हो सकते हैं। तो ये ऐसे खुल नहीं रहा है, तो एक बार इसको हल्का सा हथौड़े से मारना पड़ सकता है। तो हमने पंखे को बॉडी को पूरा ओपन कर लिया है। ये इसका ऊपर का कवर है, ये इसका बॉटम का कवर है, और ये हमारा वाइंडिंग वाला पार्ट है। इसको कुछ नहीं करेंगे, ये एकदम सही है, इसकी वाइंडिंग भी सही है। तो हम चेक करेंगे ये इसका जो टॉप कवर वाला है वो इसका बेयरिंग जाम है। तो इसके बेयरिंग को हम एक बार चेक करेंगे कि ये किस वजह से जाम पड़ा है। ये घूम भी नहीं रहा है, एकदम टाइट सा हो गया है। तो एक बार इसके बेयरिंग को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, और एक बार नीचे वाले बेयरिंग को भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। नीचे वाले बेयरिंग को एकदम करेक्ट है, ये तो सही से है, ये तो घूम रहा है एकदम। ग्रीसिंग भी अभी तक सूखी नहीं है, इसकी ग्रीसिंग भी अच्छी तरह से की हुई है। तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम वापस फिटिंग कर देंगे। तो हमने इसको अच्छे से साफ़ करके एकदम क्लीन कर लिया है। बेयरिंग भी एकदम फ्री हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो, एकदम फ्री हो गया बेयरिंग। तो एक बार हम इसमें और ग्रीसिंग कर देंगे ताकि ये वापस जाम ना हो, एकदम प्रॉपर फ्री हो गया है। तो दोस्तों हमने इसमें ग्रीसिंग कर दी है, प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग हो गई है। ये देखो मैंने ग्रीसिंग कंप्लीट कर दी इसकी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको फिटिंग करते हैं। मोटर हमने फिटिंग कर दिया है इसका। इसके बॉटम वाले कवर में जो बेयरिंग लगा हुआ है उसके लिए हम ग्रीसिंग करेंगे। तो जैसे तो इसमें ग्रीसिंग की हुई है, पर थोड़ा सा और ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि ये बेयरिंग अच्छी तरह से काम करे। तो इसकी भी हमने ग्रीसिंग कर दी। तो अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। देखो बेयरिंग को अच्छी तरह से ग्रीसिंग करने और क्लीनिंग करने के बाद में ये
अच्छी तरह से रोटेट कर रहा है। अब इसके हम स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। तीनों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करके फिर हम वापस कैपेसिटर वाला स्टैंड और टर्मिनल बॉक्स को लगाएंगे। तीनों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। येलो वाला कॉमन है, रेड और ब्लैक हमारा कैपेसिटर के वायर हैं। और अब हम इसका ट्रायल लेंगे। ट्रायल के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एक वायर का टुकड़ा लिया है और हम इसको सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार मैं इस सप्लाई अरेंज कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम इसका टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम इसको ब्लेड लगा के वापस इसको उसी लोकेशन पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने चालू किया, ये कंप्लीट हो गया पंखा एकदम। इस तरह से हम किसी भी पंखे की वायरिंग को चेक करके, बेयरिंग चेक करके उसको सही कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।